मैन झोल जो आता है ना तुम्हारी कंधे के यहाँ पे, वो क्यों आता है? तुम ज्यादातर तार तो यहाँ से 2 इंच या पौने 2 इंच। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। तो भाई, तुमने कुर्ते की कटिंग तो बहुत ज्यादा कर रखी है, और तुम्हारी जो कुर्ते की कटिंग में एक दिक्कत आ रही है, और बनाने में भी तुम सोचते हो कि यार हम पे सही नहीं बन पा रहा। वो वजह क्या है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे कुर्ते में झोला जाता है, ठीक है ना, और तुम्हारे जो प्रेस करते हो कुर्ते की, सेट नहीं बैठती, ये भी जो इस तरीके से झोल मारती है, खिंचाव मारता है बहुत बुरी तरीके से। और जब कस्टमर पहनता है कुर्ता, तो उसका कॉलर इस तरीके खींचता है पीछे को, या किसी का नूड़ जाता है। तो भाई, अगर तुम्हारे कुर्ते की कटिंग में ये दिक्कत परेशानी आ रही, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसी चीज के ऊपर ये वीडियो बनाई है, ठीक है ना। और तुमने देखा होगा बैक की तरफ भी बहुत तरीके से झोल आता है, इस तरीके से सलवटें पड़ी रहती है, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी कटिंग में बनाने में दिक्कत है, भाई तुम्हारे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कटिंग में प्रॉब्लम है। अगर जो तुमने कटिंग सही कर ली, तो इंशाल्लाह तुम्हारी कुर्ते की फिटिंग बड़ी जैन बनाने वाली है, ठीक है ना। पर यार, फायदा जब होगा अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे। अगर वीडियो को क्लिक करो, यानी कि वीडियो क्लिक कर दोगे ना, तो कुछ भी फायदा नहीं होने का वीडियो देखने का, ठीक है। स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है। तो भाई, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसका कुछ पैसा नहीं लगता, बस इससे थोड़ा सा हम मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं हमें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना यार। अगर तो तुम सपोर्ट करोगे, ये भी तो हमारा हौसला बढ़ेगा ना। तो भाई, इस वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट करके बताना तुम्हें। अगर तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा मसला, तो कमेंट करके बता देना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। तो भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू। इस कुर्ते का नाप जो है 40 लंबाई है, 39 सीना, 19 तीरा है, और 22 बाजू, 16 कॉलर। तो सबसे पहले एक निशान लगाना है सीधा इस तरीके से, और जैसे इसकी लंबाई है 40, इसमें 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। आधा इंच नीचे दब जाएगा, आधा इंच ऊपर आ जाएगा, और सीधा निशान लगाना इसमें इस तरीके से। इसका जो सीना है 39 है, 39 की चौथाई करेंगे 10.25, और 10.25 यहाँ से हो गया, ठीक है। इसका निशान लगा देंगे सीधा। पेट का निशान जो लगाएंगे, इस निशान से 7.5 इंच नीचे लगाएंगे, तो तीरे का निशान लगाएंगे हम पहले। अब जैसे इसका 19 तीरा है, तो 19 के लगाएंगे हम 18 काटेंगे, तो 18 के जी फालतू तो नहीं रखना, यानी कि 18 हो गया 9। तुम्हारा तीरा कितना भी हो, उसमें 1 इंच जो माइनस करना है, और उसके निशान पूरे लगाने हैं आधे करके। जैसे इसका 19 था, तो 18 18 का आधे हो गया 9, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा देखना, जब भी समझ में आएगा कि बैक में और फ्रंट में क्या मार देना है, क्योंकि तुम जो कटिंग करते हो ना, सामना भी इकसा रखते हो और बैक भी इकसा रखते हो। इसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे कटिंग करते हैं कुर्ते की, बेहतरीन कुर्ता आएगा जो आपका, ठीक है। और सीना जो है हमारा चौथाई करेंगे, अभी 39 है, 39 के हो गए चौथाई 10.25, इसमें 2 इंच की रखेंगे लोजिंग। यहाँ से जो उतारेंगे हम 13 को, 2.5 इंच को उतारेंगे, और ये हो गया इसका हाले का निशान। और इससे 1 इंच पीछे को हटाएंगे इस निशान से, जेब का निशान लगाएंगे इसका 6 इंच यहाँ से, और 6.5 का मुंह हो गया, और 2.5 इंच निशान नहीं। कुर्ते के पल्ले जो रखेंगे हम सीने के हिसाब से रखेंगे। जैसे सीना इसका है 39, तो 3 भाग करेंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39, और 1 इंच कर देंगे प्लस, ठीक है, 14 का आगे निशान। अब इसमें सीधे निशान लगाने, इसमें सेफ नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। हाला जो थोड़ा कमी काटना, क्योंकि जब स्टोन चढ़ाएंगे ना इसकी, जो कम पड़ेगा तो बाद में कटिंग हो जाएगी। तो ये वाला सामना इस तरीके से कपड़े फैला देना है, बैक वाले पे भी बिल्कुल बराबर रखना है, यानी कि फालतू निकालना है, कम करना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लेंगे हम 3 इंच,
और यहाँ से भी 3 इंच, ठीक है, और 1.5 इंच कर देंगे नीचे को, और यहाँ से लगाएंगे हम 3.25। अब इसमें इस तरीके से फ्रंट लगाएंगे। अब तीरा जो हमने यहाँ पे रखा था 1 इंच माइनस करा था तो ये आया था 9। अब इसमें क्या करेंगे, 1 इंच जैसे ये 18 काटा था इसे में, अब 19 तीरा है इसका, तो 19 में 1 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है ना, 19 के हो गए 20, 20 के आधे हो गए 10, ठीक है जी। यानी कि सामने में तो 1 इंच माइनस करना है और बैक में 1 इंच प्लस करना है। अब इसका राउंड घुमाएंगे इस तरीके से, देखो भाई मैन झोल जो आता है ना तुम्हारी कंधे के यहाँ पे, वो क्यों आता है, तुम ज़्यादातर तार तो यहाँ से 2 इंच या 1.25 इंच, इसमें जो है तुम्हें कम से कम 2.5 इंच उतारना है, और किसी का जो कंधे ज़्यादा डाउन हो तो इसमें चाहे तुम 3 इंच उतार दो। अब तुम सोचोगे अगर हमने 3 इंच उतार दिया यहाँ से तो कम हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा हिसाब है। अब जैसे ये सीने की चौथाई करी हमने, इसके ऊपर सीना 39 तो 1.25 1.10 रखा था, ठीक है, तो हमें जो 1.25 ही रखना है इसमें, ये ना कि भाई 1.25 में 1/2 इंच कम कर दिया या 1 इंच कम करके निशान लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तो ज़्यादा चल जाएगा। अगर जो तुम यहाँ से कम उतारोगे 2 इंची या 1.5 इंची, तो यहाँ पे जो तुम्हारे सलवटें आ जाती है इस जगह से, तुमने देखा हो बगल के बराबर में झोल रहता है, वो इस वजह से रहता है क्योंकि गुड्डे जो है ना कम डाउन करते हो तुम। अब इसमें जैसे हमने 2.5 इंच उतारा, ठीक है, अब 2.5 इंच में दिखा रहा हूँ तुम्हें कितना बेहतरीन आने वाला। अब ये बैग देखना, इससे मिलकर सर आएगा ये रहा, ये यहाँ हमारा बिल्कुल तैयार आ रहा है ये रहा। अब इसमें क्या है, ये जो सामने हमने छोटा रखा वो इसी वजह से रखा क्योंकि तुमने देखा हो बगल के बराबर में यहाँ भी चुन्नटे पड़ी रहे हैं, तो इसलिए हमने सामने कम करा है और बैग थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब कहीं भी झोल ले आने का बिल्कुल इकसार आएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखना, अगर जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना ये वीडियो, तो तुम्हारे कुर्ते में कभी भी दिक्कत नहीं आनी कि फ्रंट पे जैसे झोल आता ना, कंधों पे भी और तीरे के यहाँ भी, और प्रेस करने के टाइम भी ये जो खिंचाव मार देना, तो वो इस वजह से मारते हैं क्योंकि कटिंग इसकी हर सेट नहीं बैठी तुम्हारी। ध्यान देना, बस 2.5 इंच उतारना तुम्हें यहाँ से, 2.5 इंच में चाहे 1.25 ले लो, कम नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कम हो गया है तो हमारे मुड्ढे फट जाएंगे, तो तुम नीचे को और कटिंग कर सकते हो इसकी यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें इसका तीरा बता दूँ कितना तैयार आएगा इस तरीके से करके, और 19 तीरा तैयार था तो 19 यानी कि 9.5, और इसमें आगे एक पैर का मार्जिन, ठीक है ना, बिल्कुल तुम्हारा तीरा तैयार आएगा। इसमें टेंशन मत लेना कि भाई हमारा तीरा कम पड़ जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी बाजू की कटिंग करते हैं, तो भाई ये बाजू का कपड़ा फैला लिया, यहाँ भी सीने की चौथाई करनी है हमें, जैसे इसका सीना है 39 तो 1.25 हो गया, ठीक, लंबाई इसकी 22 है तो 1 इंच प्लस कर लेंगे। और इसकी मोहरी जो है 13.5 है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 13.5 तैयार है इनकी, तो ठीक है। अब ऐसे फोटा लगा देंगे इसे सीधा,